हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सेवेंथ स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। 3.3 लेसन है अ क्रो इन द हाउस। तो देखते हैं स्टोरी क्या दी है, चलो स्टार्ट करते हैं। द यंग क्रो हैड फॉलन फ्रॉम हिज नेस्ट एंड वॉज फ्लटरिंग अबाउट ऑन द रोड इन डेंजर ऑफ बींग क्रश्ड बाय अ कार्ट और अ टोंगा और सीज बाय अ कैट व्हेन आई पिक इट अप एंड ब्रॉट इट होम। तो नरेटर क्या बोलता है, देखो यहाँ पे उसने देखा कि एक यंग क्रो अपने नेस्ट से नीचे गिरा है, वो फड़फड़ा रहा है रोड पे। तो अभी उसको डेंजर है, शायद वो कार्ट या टोंगा के नीचे आ जाए या कोई कैट उसे पकड़ ले। तो इसलिए राइडर ही उसे बचाने के लिए जाता है और उसे घर लेके आता है। इट वॉज इन अ सॉरी कंडीशन, बिग गैपिंग एंड हेड ड्रॉपिंग। तो उसकी कंडीशन इतनी भी अच्छी नहीं थी, बीक में गैप था, हेड ऐसे लटका हुआ था। वी डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू लीव, शायद वो बचने वाला नहीं था। बट ग्रैंडफादर एंड आई डिड अ बेस्ट टू ब्रिंग इट राउंड। बट ग्रैंडफादर ने और राइटर ने इतना अच्छा प्रयास किया कि वो उसे जिंदा रखने में कामयाब हो गए। वी फेड इट बाय प्राइजिंग इट्स बीक जेंटली ओपन विद अ पेंसिल, पुशिंग इन अ लिटिल ब्रेड एंड मिल्क। तो उन्होंने उसे खाना कैसे खिलाया, तो वो थोड़ा बड़ा ही काम था, उनको जेंटली उसका बीक ओपन करना पड़ता था पेंसिल से और फिर थोड़ा थोड़ा ब्रेड या फिर मिल्क पुश करना पड़ता था बीक से, देन रिमूविंग द पेंसिल टू अलाउ इट टू स्वेलो। और फिर पेंसिल रिमूव करनी पड़ती थी ताकि वो स्वेलो कर सके। वी वैरी इट दिस डाइट विद ओकेशनल डोजेस ऑफ ग्रैंड मदर्स होम मेड प्लम वाइन। कभी कभी ओकेशनली उसे ग्रैंड मदर की होममेड वाइन भी पिलाया करते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ, द यंग क्रो वॉज सून ऑन द रोड टू रिकवरी। यंग क्रो जल्दी ही रिकवर होने लगा। ही वॉज ऑफर हिज फ्रीडम बट ही डिड नॉट टेक इट। उसे उसका फ्रीडम दे दिया गया, ठीक होने के बाद उसे छोड़ने की कोशिश की गई बट उसने ली नहीं। तो बाहर वो तो गया नहीं बट घर में ही वो रहने लगा। ग्रैंड मदर, आंट मेबल एंड इवन सम ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स ऑब्जेक्टेड। तो ग्रैंड मदर के और आंट मेबल के जितने भी पेट्स थे उन्होंने ऑब्जेक्शन ले लिया। बट देयर वॉज नो वे ऑफ गेटिंग रीड ऑफ द बर्ड। बट ये बर्ड से छुटकारा वो पा ना सके। ही टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाउस। जल्दी ही ये बर्ड ने, मतलब क्रो ने, अपना हाथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया। We were not sure that he was male, but we call him Caesar. पता नहीं था वो मेल है या नहीं, but उसे सब लोग सीजर बोलने लगे। Before long, Caesar was joining us at meal times, beside finding his own grubs or beetles in the garden. तो सीजर अभी मील टाइम पे उनको ज्वाइन भी करने लगा था। उसका अदर एक्टिविटी चालू था ही, गार्डन में ग्रब्स और बीटल्स ढूंढने का। He danced about on the dining table and gave us no peace until he had been given his small bowl of meat and soup and vegetables. जब तक उसे उसका बॉल मीट का या फिर सूप और वेजिटेबल्स का दिया ना जाए, तब तक वो डाइनिंग टेबल पे इधर उधर फड़फड़ाता रहता था, डांस करता था, किसी को खाने नहीं देता था। He was always restless, feasting about investigating things. वो हमेशा रेस्टलेस होता था, कहीं पे भी एक जगह नहीं रुकता था, हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट करता रहता। He would hop across a table to empty a matchbox. वो एक ही पैर पे इधर से उधर जम करता था, एम्प्टी मैचबॉक्स ढूंढता था, मतलब मैचबॉक्स वो एम्प्टी कर देता था। रीप द डेली पेपर टू श्रेड, जो डेली पेपर थे वो रीप करता था, फाड़ देता था। और ओवर टर्न अ वेस ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के जो वेस रहते थे, डेकोरेटिव जो बर्तन रहते थे, वो उल्टा पुल्टा कर देता था। और टग एट द टेल ऑफ वन ऑफ द डॉग्स, या फिर कभी किसी डॉग का वो टेल ही बाइट कर देता था। तो हमेशा वो रेस्टलेस होता था, कुछ ना कुछ वो करते रहता था। दैट को विल बी द रून ऑफ अस, ग्रैम्बल ग्रैम्बल ग्रैंड मदर चिल्लाती थी, इसने तो परेशान करके रखा है। पिकिंग मैरीगोल्ड्स ऑफ द कार्पेट, कांट यू कीप यू इन द केज। कारपेट से मैरीगोल्ड्स उठाते हुए वो बताती थी, बोलती थी, केज में नहीं रख सकते तुम इसे।
राइटर हमें बताता है, वी डिड ट्राई कीपिंग सीजर इन अ केज, सीजर को केज में रखने की कोशिश की गई थी, बट ही वॉज सो एंग्री, वो इतना गुस्से हो गया एंड ऑब्जेक्टेड विद सच अ फियर्स कैविंग एंड फ्लैपिंग, तो उतने ही गुस्से से वो कैविंग करने लगा, फ्लैपिंग करने लगा, इट वॉज बेटर फॉर अवर नर्व्स एंड पीस ऑफ माइंड टू गिव हिम द रन ऑफ द हाउस, तो पीसफुल रहने के लिए उसे केज के बाहर ही छोड़ना पड़ा। He did not show any inclination to join other crows in the banyan tree. बाजू के बनियान ट्री में अदर के बाहर के क्रोज आते थे, बट वो वहां नहीं जाना चाहता था। Grandfather said this was because he was really a jungle crow. Grandfather बताते थे शायद ये जंगल क्रो है इसके लिए ये नहीं जा रहा है, जैसे कि रैवन होता था वैसे, तो रैवन ये स्टोरी में हुआ करता था नेम क्रो का, सो उसी तरह का ही लगता है ऐसे ग्रैंडफादर बोलते थे। एंड प्रॉबली फेल्ट अ लिटिल कंटेम्प्टस ऑफ वेरी ऑर्डिनरी कैरन क्रो, और शायद उसे नॉर्मल क्रो में जाने के लिए खुद का इंसल्ट लगता होगा। बट इट सीम्स टू मी दैट सीजर हैविंग ग्रोन यूज्ड टू लिविंग विद ह्यूमंस ऑन इक्वल टर्म्स, बट ऐसे लगता था अभी सीजर उतना ही इक्वली ह्यूमंस के साथ भी रहा है, had become snobbish, अभी वो बड़ा हो गया है, and did not wish to mix with his own kind, और वो चाहता नहीं कि अपने ही kind में जाके mix हो। He would even squabble with Harold the Hornbill, तो Hornbill ये bird है जिसका नाम Harold है, और वो उसे भी तकलीफ देता है। Perching on the top of Harold's cage, he would peck at the big bird's feet, तो जब वो Harold के केज पे बैठता है, वो try करता है कि उस बिग बर्ड का फीट ही वो काट ले। वेयर अपॉन हेरोल्ड वुड स्वियर एंड स्कोल्ड, तो बदले में हेरोल्ड भी गुस्से होता है, स्वियर एंड स्कोल्ड करता है, एंड ट्राई टू कैच सीजर्स थ्रू द बार्स, और बार से ही वो सीजर को पकड़ने की कोशिश करता है। इन टाइम सीजर लर्न टू टॉक अ लिटल एज रैवेंस समटाइम्स, जैसे स्टोरी में रैवेंस बात करता था वैसे ही सीजर अभी बोलने की कोशिश कर रहा था इन अ क्रैक थ्रोटी वॉइस, उसका क्रैक और थ्रोटी वॉइस से वो ट्राई कर रहा था बात करने की। He would sit for hours outside the window, वो विंडो के बाहर बैठता था, banging on the glass with his beak, और ग्लास पे banging करता था अपने बीक से, और कॉलिंग और बोलता था हेलो हेलो। He seemed to recognize the click of the gate when I came home from school, जैसे नरेटर स्कूल से घर आता था वो उसे पहचान लेता था, एंड would come to the door with a hop, और वो डायरेक्टली डोर के यहाँ पे आ जाता था, स्कीप एंड जंप, और जंप करता था नरेटर की तरफ और बोलता था हेलो हेलो। I had also taught him to sit on my arm and say, नरेटर ने उसे और एक चीज सिखाई थी, उसे हाथ पे बैठने के लिए सिखाया था और किस किस ऐसे बोलने के लिए सिखाया था। While he placed his head gently against my mouth, और तभी उसने जेंटली उसका हेड नैरेटर के माउथ के यहाँ पे रखा था। ऑन वन ऑफ आंट मैबेल विजिट, एक बार आंट मैबेल ने विजिट किया था, सीजर अलाइटेड ऑन हर आर्म एंड कैकल्ड, तो उसी तरह सीजर उनके हाथ पे भी बैठ गया और बोलने लगा किस किस। आंट मैबेल वॉज डिलाइटेड, आंट मैबेल खुश हो गई, उनको वैसे ही लगा कि वो किस किस बोल रहा है, सो पॉसिबली फ्लैटर्ड, वो फ्लैटर हो गई एंड lean forward for a kiss, और वो किस के लिए आगे आई। But Caesar's attention shifted, but Caesar का attention shift हो गया कहाँ पे, to my aunt's gleaming spectacles, तो उसने देखे aunt Mabel's के spectacles gleam कर रहे थे, and जैसे उसने spectacles देखे, thrusting at them with his beak, अपनी beak से उसने वो तोड़ी दिए, he knocked them off. Aunt Mabel never was a success with the pets. Aunt Mabel कभी भी success हुई नहीं pet के साथ। Pet or pest? Grandmother insisted that Caesar was a pest. तो pet बोले या pest बोले? Grandmother बोलती थी ये Caesar तो pest ही है। In spite of his engaging habit, अपने इतने habit उसने करके रखे हैं तो pest ही बन गया है। If he had restricted his activities to our own house. अगर वो अपने ये जो एक्टिविटीज है अपने घर के ही अंदर रखता था तो अलग बात थी, इट वुड नॉट हैव बीन सो बैड, वो इतना भी बैड नहीं होता था, बट ही टुक टू विजिटिंग नेबरिंग हाउसेस, अभी तो दूसरों के घरों में जाने लगा था।
एंड स्टीलिंग पेंस, वहां पे उसे जो भी चीज मिलती थी वो स्टील करने लगा था, जैसे पेंस, पेंसिल, हेयर रिबन्स, कॉम्ब्स, कीज, शटल कॉक्स, टूथब्रशेस एंड फॉल्स टीथ ऑल्सो, जो उसे मिलता था वो चुरा के लाता था। ही वॉज स्पेशली फॉन्ड ऑफ टूथब्रशेस, ज्यादातर उसे टूथब्रशेस पसंद थी, एंड मेड अ कलेक्शन ऑफ देम ऑन द टॉप ऑफ द कबर्ड इन माई रूम, और नैरेटर के रूम में जो कबर्ड था उसके ऊपर उसने वो कलेक्शन जमा करके रखा था। मोस्ट ऑफ द नेबर्स वर रिप्रेजेंटेड इन अवर हाउस बाय टूथब्रश, ज्यादातर नेबर्स टूथब्रश से ही पहचान लिया करते थे नैरेटर के घर पे कि ये ब्रश किसका है, उनका है, वो नेबर्स का है। टूथब्रश सेल वेंट अप दैट ईयर, तो इतने नेबर्स के उसने टूथब्रश चुराए, तो नैरेटर बोलता है कि वो साल में टूथब्रश का सेल ज्यादा बढ़ गया। सो डिड ग्रैंडमदर्स ब्लड प्रेशर, बट इतनी सारी एक्टिविटी उसने की थी, ग्रैंड मदर का ब्लड प्रेशर भी उसी की वजह से बढ़ गया। सीजर स्पाइड ऑन चिल्ड्रन गोइंग ऑन टू द बनियास शॉप्स, जब चिल्ड्रन बनियास के शॉप पे जाते थे कुछ खाने के लिए लेते थे, सीजर उन पे नजर रखता था। ऑफन मैनेज टू स्नैच स्वीट्स फ्रॉम देम एज दे केम आउट, जैसे ही चिल्ड्रन बाहर आते थे वो मैनेज करता था उनके हाथ से वो चुरा के लेने के लिए। क्लोथ पेक्स फैसिनेटेड हिम, और क्लोथ जो थे उसे फैसिनेट करते, उसे बहुत पसंद थे। नेबर्स विल रिटर्न फ्रॉम द बाजार टू फाइंड देयर वॉशिंग लाइंग इन द मड, जब नेबर्स बाहर जाते थे बाजार में और जब रिटर्न आते थे तो वो देखते थे तो उनको क्या दिखाई देता था, देयर वॉशिंग लाइंग इन द मड, जो उन्होंने कपड़े वॉश करके रखे थे वो पूरे मड में गिर चुके हैं, एंड नो साइन ऑफ द पेक्स, और पेक्स कहीं पे भी दिखाई नहीं देते थे। दिस टू फाउंड देयर वे टू द टॉप ऑफ माई कबर्ड, ये पेग्स भी कहां मिला करते थे, नैरेटर के रूम में जो कबर्ड था उसके ऊपर, जहां पे सीजर ने कलेक्शन करके रखा था। इट वॉज सीजर्स गार्डनिंग एक्टिविटीज, सीजर की गार्डनिंग एक्टिविटीज भी थी, दैट फाइनली लेड टू डिजास्टर, बट जब उसने वो गार्डनिंग एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान दिया तब उसके साथ डिजास्टर हुआ। ही वॉज हेल्पिंग हिमसेल्फ टू अवर नेबर्स बीन्स व्हेन अ स्टिक वॉज फ्लंग एट हिम, किसी नेबर ने उसकी तरफ एक स्टिक फेंक के मारी, बट उस स्टिक की वजह से उसका पैर टूट गया। आई कैरीड द अनफॉर्चुनेट बर्ड होम एंड ग्रैंडमदर एंड आई वॉश्ड एंड बैंडेज हिज लेग एज बेस्ट वी कुड, उसे घर पे लाया गया, ग्रैंडमदर और नैरेटर ने क्या किया, बैंडेज किया उसका लेग जितना पॉसिबल हो सके, बट इट वुड नॉट मेंड, बट वो पहले की तरह नहीं बन पाया। सीजर हंग हिज हेड एंड नो लॉन्गर टॉक, सीजर ने अपना हेड लटकाया हुआ था, अभी वो पहले की तरह बात नहीं करता था, ही ग्रू वीकर डे बाय डे, अभी वो दिन ब दिन वीक होने लगा था, रिफ्यूजिंग टू ईट, वो नहीं खाना खाता था। एंड ओकेशनल सीप ऑफ ग्रैंड मदर्स होम मेड वाइन वॉज ऑल दैट केप्ट हिम गोइंग, और ओकेशनली जो ग्रैंड मदर्स की होम मेड वाइन जो थी उसे दिया करते थे उससे अभी तक वो थोड़ा बहुत जिंदा था। One morning, I found him dead on the sofa. एक दिन राइटर ने देखा कि वो सोफे पे डेड हो चुका था। His legs stiff in the air, उसके पैर ऐसे हवा में लटके थे। Poor Caesar, his antisocial habits had led to his early end. Poor Caesar, narrator बोला करता था, उसकी antisocial activities की वजह से उसका जल्दी ही एंड हो गया। I dug a shallow grave in the garden and buried him there. राइटर ने क्या किया, शैलो ग्रेव निकाला गार्डन में और वहीं पे उसे बरीड कर दिया, अलोंग विद ऑल द टूथब्रशेस एंड क्लोथ पेक्स ही हैड टेकन सो मच ट्रबल टू कलेक्ट, उसने जो तकलीफ ली थी टूथब्रश और पेक्स जमा करने की वो भी उसी के साथ वहां पे ग्रेव में नैरेटर ने बरीड कर दे। तो यहाँ पे ये स्टोरी एंड होती है जो लिखी थी रस्किन बॉन्ड इन्होंने। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी, कुछ डाउट है तो आप जरूर मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अभी मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।